Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another vlog. तो दोस्तों पिछला मैंने vlog बनाया था अपनी internship का, तो यार उसपे बड़े complaints आई कि यार तुम कह रहे थे routine बताऊंगा और ये और वो, हुआ कुछ है ही नहीं यार. मतलब क्या क्या बताऊं मैं यार आपको, पूरा दिन वही होता है जो उस वीडियो में मैंने बताया था. एनीवेज उसमें ऑफिस नहीं बता सका था मैंने, उसमें भी आपको रीजन बताई थी कि इट इज नॉट अलाउड टू जस्ट मेक वीडियोज देयर, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका. बट आप लोग छोड़ नहीं रहे तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. अच्छा तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप व्लॉग को एंजॉय करें तो जरूर सब्सक्राइब किया जाएगा, इट मींस अ लॉट. अच्छा तो यार बात ऐसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू के जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो एयरफोर्स का के अंडर है और वो एक बेसिकली आईटी पार्क है जिसके अंदर बहुत सी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज भी हैं और बहुत से लोगों के स्टार्टअप्स भी हैं. ठीक है, तो ये एक इस तरह से जो है बिल्डिंग है, नहायत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है. बाकी बातें हम लोग जाके कहते हैं वहां पहुंचने के बाद. लेट मी टेक यू टू नेक्स्ट स्टेप रावलपिंडी. ये यार वेटिंग हॉल्स है, ठीक है, इसको वेटिंग हॉल ही कहूंगा मैं, बिकॉज़ इधर वैसे तो कोई काम होता नहीं है. हाँ, बंदा चिल करने के लिए भी बैठ सकता है, टीवी वगैरह लगी हुई है, न्यूज़ चलती रहती है. और ये वाली जो है ना, ये मेरी फेवरेट जगह है यार, लिटरली. अच्छा तो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है ना नीकेड आता है, राइट साइड पे जो है वो साइबर कूजा है, ठीक है. अच्छा यार, और ये जो मैंने आपको जगह बताई थी, इधर बैठना वेट करना इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग. अगर मुझे जो है वेट करना हो, मुझे डिसाइड करना हो कि वेयर आई हैव टू सिट इन ऑल दीज प्लेसेस, आई वुड प्रेफर दिस वन. और यार यहाँ से जाके इस ब्लॉक में मेरा ऑफिस है और ये जो है दैट्स ऑल. इसी तरह से जो है दिस वन इज माई ऑफिस. अच्छा तो अभी तक मैंने बताया नहीं है, बट आज जो है मेरा लास्ट डे है, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूँ. और आज के बाद फिर पता नहीं कब इधर आना होगा. और ये है कि यार आई हैव रियली एंजॉयड दिस प्लेस. चलें साथ साथ चलते हैं, साथ साथ बातें करते हैं. तो ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी जो है वो ऑफिस हैं सारे. मेरा ऑफिस उस तरफ है, इधर से अभी हम घूम के उधर भी चले जाएँगे. और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग यार, आई वुड से. और ये जो यहाँ ना दो तीन बिल्डिंग्स हैं नेस्टअप में, हैं तो काफ़ी सारे हैं, बट अल्फाज में, मतलब अल्फा कहते हैं ना, अल्फाज में जो है ना डिवाइड किया है. तो डिवीजन इस तरह हुई है, तो मैं अल्फा 7 है, अल्फा 4 है, 7 है पता नहीं. खैर उसके अंदर जो है मेरी बिल्डिंग जो है ना वो है, उसे अल्फा स्क्वायर है और 7 दफ्तर खान है. अच्छा तो जो दो तीन बड़े मज़े की जगह जो मुझे इस पूरी बिल्डिंग में, मेरी जो फेवरेट तरीन जगह है ना, एक तो मैंने आपको बताया वो जो वेटिंग हॉल नहीं बनाया, इट इज़ सो कूल यार. ये वैसे ये भी ऑन होता है, इन पर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती रहती है. आज ऑफ है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं. तो और एक ये जगह, ये वाली जो जगह है ना, आई रियली लाइक दिस, के सब जो है कंपनीज के अंदर डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह, स्टार्टअप्स वगैरह सारी डिटेल्स जो है ना लिखी हुई. और इस वाली वॉल पर जो है थोड़ा नेस्टअप के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है कि कब बना, क्या हो रहा है, किस तरह से मैनेज किया जा रहा है इसको. और यहाँ फिर जो हमारे पास टेक्नो बार आ जाता है, जो कि इस टाइम ऑफ कोर्स बंद हो गया होगा, खुला है लेकिन कोई होगा नहीं. और ये वाली प्लेस दूसरी यार. अच्छा अभी पीछे कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था. ये सारी जो नई इंस्टॉलमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, मतलब ये सब जितना कुछ है ना इस टाइम, इधर कैओसिक वगैरह जो लगे हुए हैं और ये जो LCDs वगैरह, ये जो है उसके, मतलब मुझे लगता है कि एक वीक में हम घर जाते थे, नेक्स्ट डे आते थे, कोई ना कोई नई चीज़ इंस्टॉल हुई होती थी ये पिलर्स. और अभी हम लोग वहाँ से घूम के इधर आ गए हैं और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं वो लास्ट में मेरा ऑफिस है. और दरवाज़ा भी जो मेन गेट है वो भी उस तरफ ही है. तो हम लोग उधर से आए घूमते 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 जो है वो अभी हम वापस ऑफिस की तरफ जा रहे हैं. तो होप के जो है आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा.
बाकी यार फिर जाके रिव्यूज भी शेयर करता हूँ कि कैसा लगा, क्या सीखा और आपने क्या करना है. स्पेशली फॉर माई जूनियर्स आई मेक कॉन्टेंट लाइक दिस, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. ठीक है, बाकी ये भी बड़े मज़े की जो है वो जगह लुक नेस्ट पूरा का पूरा ही प्यारा है यार. अब क्या क्या मैं बताऊँ, क्या क्या दिखाऊँ. ये तो नी गेट वाले ऑफिस अभी अंदर कुछ आज कुछ इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, पता नहीं अब क्या सीन है, मुझे पता नहीं है. और साइबर कुजा तो इस टाइम शायद वो भी बंद हो गया होगा, बट बहुत प्यारे ऑफिस हैं यार ये भी. बट अभी उधर फिर कभी मौका मिला तो फिर दिखाएंगे. और दैट्स ऑल यार आई गेस अबाउट नेक्स्ट स्टेप. ओके तो गाइस यार अभी जो है मैंने अपने सुपरवाइज़र और जो मेरे सीनियर्स थे यहाँ, मेरे कोलीग्स भी सीनियर्स भी, बहुत कुछ सीखा उनसे. उन्हें जो है गुड बाय कह दिया है, वो चले गए. अभी मैं भी उस कुछ टाइम तक निकलता हूँ, अभी तक बॉस से मिला नहीं, तो अभी बस मिलता हूँ हरीश भाई से. फिर जो है 10-15 मिनट तक मैं भी निकलता हूँ. और यार बहुत अच्छा टाइम गुजरा है इधर. बस अभी मुझे आज मैं व्लॉग में थोड़ा ढीला ढीला हूँ इसलिए क्योंकि बस अजीब सा लग रहा है. और मतलब कितना जल्दी गुजर जाता है टाइम यार, इतना पहले स्टार्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा था कि यार दीज आर 2 मंथ्स, और अभी इस तरह लग रहा है कि बस जिस तरह जो है कल हम आए थे और आज जो है वापस जा रहे हैं. और दैट्स ऑल. अरे हाँ यार ये तो दिखाई नहीं आपको ये वाली जगह, ये इतनी प्यारी लगती है दिन को. इधर घास है और ये भी इधर नेस्ट अप लिखा हुआ है, बड़ी प्यारी जगह. ये सारी बिल्डिंग है भाई नेस्ट अप की. और रात का व्यू आप देख सकते हैं, ये दफ्तर खान है वो सामने अल्फा स्क्वायर. गुडबाय नेस्ट अप. ओके तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे और आई होप यू लाइक द व्लॉग. और दूसरा ये यार आज मेरा लास्ट डे था, मुझे खुद भी पता नहीं था बिकॉज कंफर्म नहीं था आज, बिकॉज आज या जो है कल लास्ट डे होना था. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सैटरडे शायद लास्ट हो, बट आज ही लास्ट हो गया. तो इसलिए जो है वो मैंने जल्दी जल्दी फिर व्लॉग भी बना लिया. और बाकी यार नेक्स्ट स्टेप का ये कि आई विश कि मैं आपको और भी ज़्यादा बता सकता ज़्यादा इस तरह के, बाकी तो सारा मैंने आपको दिखा दिया. लेकिन सब कुछ ऑन होता है ना लाइट्स वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो सिर्फ तब ऑन होती हैं जब कोई इवेंट हो या कुछ इस तरह का सीन हो, मतलब वो रोज़ ऑन नहीं होता. तो खैर क्या ही हो सकता है, अब इवेंट्स का भी पता नहीं होता कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे. तो यार इट वाज अ ग्रेट जर्नी और बहुत कुछ सीखने को मिला. एट फर्स्ट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस भी था और एक तरह से जो है मैं कंफ्यूज भी था कि यार मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या मैं कोर्स करूँ पता नहीं मेरा स्किल्स इतने हैं भी कि मैं इंटर्नशिप के लिए जाऊँ या नहीं. बट आई एम रियली एक्साइटेड. आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि आई एम प्राउड एंड आई फील प्राउड और आई एम हैप्पी अबाउट माई डिसीजन कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. अगर मैं जो है घर पे होता या कोर्स भी करता या कुछ भी करता तो उतना सीखा है उतना बिल्कुल भी ना सीखता. ओके सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग. टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम.